कटनी की करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर प्रदेश भर में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में कटनी जिले में कलेक्टर अभि प्रसाद और पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने मुख्यालय परिसर से मतदाता जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वाहन रैली का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना। इस वाहन रैली में पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन का अमला भी सहयोगी रहा है। मतदाता जागरूकता वाहन रैली ने कार्यक्रम स्थल से रवाना होकर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने रैली में मौजूद लोगों को मतदाता की शपथ दिलाई। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मतदाताओं को जागरूक करने हेतु, साथ ही साथ शांतिपूर्ण निर्भीक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, इस हेतु नागरिकों में विश्वास पैदा करने के लिए सामान्य प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जो पुलिस कंट्रोल रूम से स्टार्ट होते हुए पूरी सिटी का भ्रमण करके फिर उसके पश्चात हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में इस आशय का हमने शपथ लिया कि हम निर्भीक होकर के और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। देखिए, जिले भर में जो है मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां करी जा रही हैं, और उसी में आज पुलिस विभाग के साथ जो है शहर के मुख्य स्थानों से होते हुए एक बाइक रैली निकाली गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। और अभी लगातार 17 तारीख तक जो है इस तरह की विभिन्न गतिविधियाँ होती रहेंगी। हम लोगों ने जो है कैलेंडर जारी कर दिया है स्वीप की गतिविधियों का, और हमारा प्रयास है कि इस बार हम मत प्रतिशत में एक अच्छी वृद्धि जो है वो